राज्यपाल अंडर सेना पटेल सुरपाल अजनर जिंदाबाद सेना पटेल नहीं चाहिए सेना पटेल नहीं चाहिए सुरपाल अजनर जिंदाबाद सुरपाल अजनर जिंदाबाद सेना पटेल नहीं चाहिए सेना पटेल नहीं चाहिए। मैं थापली का हूँ। जैसा मेरे को मेरा ये कहना चाहे कि हमारा जो सुरपाल भाई अजनर को जो टिकट नहीं मिली तो हमको इतना बुरा लग रहा है कि हमारा गांव में हमको दूसरे जो बाहरी व्यक्ति को टिकट मिली सेना भाई पटेल को तो वो हमको चाहिए भी नहीं, हमारा गांव में आने भी नहीं देंगे और उसको तरफ से हमने वोट भी नहीं लेंगे। और हमारा एक ही सिद्धांत है, अगर उसको टिकट सरकार वापस नहीं दे तो फिर हम बीजेपी का काम करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। हमारे बहुत सारे करीब 200 लोग के समथिंग यहाँ पे हमारे लोग इकट्ठा हुआ था और सभी विरोध करेंगे उसी को हमको टिकट ये सेना पटेल को तो हमको चाहिए ही नहीं, हमारा गांव में से तो चाहिए ही नहीं। और हमारा जो भी एक भी करीब 10 वोट भी नहीं आने दूंगा हमारा जो हमारे मतदान पे। तो सेना पटेल का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जोबट की एक तो स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, इस कारण से इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। और रही बात जैसे अभी सुरपाल अजनार को स्थानीय उम्मीदवार की बात आती है तो सुरपाल अजनार को टिकट देना चाहिए था, इन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत काम किया है, हर बार कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान लगा के मेहनत की और उसको टिकट नहीं देते हुए बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया तो इस कारण से इसका विरोध कर रहे हैं। देखो अभी तो ये चर्चाएं चल रही कि सेना का फाइनल हो गया, टिकट मिल चुकी है। अब देखो पार्टी अगर कुछ विरोध जता रही है उसको देखते हुए कभी परिवर्तन करती है सुरपाल को तो सुरपाल अजनार को वोट देंगे, अगर सुरपाल को टिकट अगर नहीं होती है तो फिर हम बीजेपी को मजबूर होके बीजेपी को टिकट मतलब वोट डालवाएंगे और डालेंगे हम लोग। आज अभी हमारे यहाँ कम से कम 10 से 15 गांव के लोगों इकट्ठे हुए थे, चौकीदार पटेल जो खास खास है, उन लोगों का यही कहना है कि अगर हर गांव की जमीन सीमा होती है उस सीमा के अंदर बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको थोड़ी ना कब्जा करने देंगे। तो उस का महेश पटेल ने जैसे देवलय की जमीन थी और बलेड़ी वाले कब्जा कर रहे थे तो महेश पटेल ने बलेड़ी वाला का समर्थन देके और जोबट में धरना दिया, आंदोलन किया, न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाई उन्होंने, अधिकारियों को मार डालेंगे फलाना डैम का ये वो बहुत सारी दादागिरी बातें ये करी। तो इसको देखते हुए हम ये चाह रहे कि ऐसे दादागिरी और बदमाशी व्यक्ति को हम वोट नहीं देंगे और उनको हम 20-25 गाँव के लोगों ने मतलब ये निर्णय लिया कि गांव में घोषणा भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे, अगर सुरपाल को टिकट नहीं मिलती है तो डायरेक्ट सीधा सट बीजेपी को वोट देंगे हम। मतलब अगर सेना पटेल का चेहरा सामने आया अभी टिकट उनको फाइनल करिए कमलनाथ जी ने, अगर सुरपाल अजनार का टिकट उनको नहीं दी, अगर उनका कमलनाथ का कहना था कि स्थानीय व्यक्ति का उम्मीदवार करने की घोषणा करी थी उनने और बाहरी व्यक्ति का मतलब नाम ऐसा क्यों है, हमारा कहना यह पड़ रहा है पर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा तो फिर हम वोट बीजेपी को डालेंगे। स्थानीय उम्मीदवार को घोषित नहीं कहे कमलनाथ तो फिर विरोध है, वो तो बाहरी व्यक्ति है, जैसे कई रोज काम पड़े तो हम आधी रात उठ के कहाँ जाएंगे, हमारा कहना ये पड़े जैसे काल उठ के अगर भैया थे मतलब पड़ोस के है तो पड़ोस में अपन काल आधी रात भी उठ के चले जाएंगे, जो भी आधी रात कोई भी काम पड़े तो अपन फोन लगाए तो अपना फोन भी अटेंड कर लेते, जब बोले जब मतलब अपना काम का समाधान करा उनने, आज भी उनने मतलब जो भी पटेल को हम सेना पटेल को नहीं देना चाहते हम, क्योंकि सुरपाल अजनार को देना चाहते, हम सुरपाल अजनार को देंगे वोट और महेश पटेल को कहेंगे तो नहीं देंगे क्योंकि महेश पटेल ने सेना पटेल ने आए थे
तहसील में तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा था, क्योंकि हमारी देवलाई की ज़मीन और बलेवड़ी वाले को ज़मीन दिलवा रहा था जब भी जो आया था, क्योंकि गांव का नहीं सोचा और बिना गांव का सोचा था, क्योंकि उसको हमने सेना पटेल को देवलाई में आए तो नहीं आन देंगे, क्योंकि विरोध करेंगे, क्योंकि महेश पटेल ने ये बहुत सारा वो चाल चाल ज्ञापन सौंपा, तो क्योंकि हमारी ज़मीन और वो करा तो उसमें से हमको कहना चाहते हैं कि हमको सुरपाल अजनार को टिकट मिली तो वोट देंगे, नहीं टिकट मिली तो हम बीजेपी को वोट देंगे। कितना गांव ने 12 गांव तक मीटिंग करी, क्योंकि मैं 12 गांव का पटेल हूँ तो 12 गांव तक मीटिंग करी हमने। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार को नहीं देते हुए बाहरी व्यक्ति को दिया गया, और दूसरी बात यह है कि एक ही परिवार में दो भाइयों को, दो भाभी, मतलब एक ही परिवार में दो टिकट दिया गया, इस कारण से इसका विरोध कर रहे हैं। और खुद का तो वोट नहीं डाल पाएंगे और दूसरे के भरोसे पे कैसे टिकट दे दिया है उनको, बाहरी लोगों को, स्थानीय व्यक्ति को देना चाहिए ना, देना चाहिए तो सुरपाल अजनार जो वोट से, अन्यथा कोई किसी को नहीं देंगे और बीजेपी को वोट देंगे। सुरपाल अजनार जिंदाबाद, सुरपाल अजनार जिंदाबाद, सुरपाल अजनार जिंदाबाद। बीजेपी नहीं डाल सकते हमको, ऐसा चले कि हमारा ये सुरपाल भाई को टिकट नहीं मिला है तो हम नहीं डालेंगे उसमें, वोट नहीं डालेंगे, और सेना पटेल का हमारा विरोध है तो हमको वोट नहीं डालना है। तो हम पूरा गांव में बैठे रहे 503 इंसान है, और उसके बाद में टिकट सुरपाल भाई को नहीं मिले तो निर्दलीय लड़ से तो वोट ऑप्शन, नहीं तो बीजेपी को वोट देंगे हम। हाँ, सेना पटेल को हम वोट नहीं देंगे।